हेलो बच्चों, तो आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सेकेंड लेक्चर हम लेके आए हैं और ये थोड़ा सा एडवांस लेक्चर होगा। अगर आप बेसिक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जानना चाहते हैं तो YouTube पे टाइप करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 01, साथ में लगा देंगे फिजिक्स वाला, तो आपको इसका बेसिक लेक्चर कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, ये पता चलेगा। खैर, उन कंडीशंस को आज मैं रीडिफाइन करूंगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि अभी बहुत सी बातें अंदर अंदर हमें जाना है, तो आज हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। पिछले लेक्चर में मैंने बोला एल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, पर यहां मैं साइक्लोएल्केन में दिखाऊंगा कि हो सकती है। फिर साइक्लोएल्कीन्स की बात करेंगे, फिर एलीन्स कंपाउंड की बात करेंगे, फिर स्पायरो कंपाउंड की बात करेंगे, फिर बायफिनाइल कंपाउंड की बात करेंगे कि किसमें जीआई हो सकता है और किसमें जीआई नहीं हो सकता है। तो अगर आपने इसकी बेसिक पढ़ रखी है तो आप इस वीडियो को इनटू टू की स्पीड पे देखिएगा, जैसा कि कई लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, और मजे लीजिएगा। सो माई नेम इज अलख पांडे And this is your beautiful channel, Physics Wala. तो start करते हैं GI, और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको इसकी basics नहीं आती है तो YouTube पे type करें Geometrical Isomers 01 Physics Wala और उस video को देख लें। खैर, तो अगर आपको याद हो तो GI की जो मैंने आपको basic condition बताई थी वो थी restricted rotation। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मैंने बोला था कि पाई बॉन्ड के अबाउट होती है। आज मैं इस कंडीशन को रीडिफाइन करूंगा और कुछ और डिटेल बताऊंगा। जैसे मैं ये कंपाउंड ले लूं, सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच एच सी एच थ्री और सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच एच। तो पहला सवाल है, क्या ये दोनों सेम कंपाउंड हैं? तो आंसर है नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। आपको पता है यहां सेम ग्रुप सेम साइड में तो इसको सिस, यहां अपोजिट साइड में सेम ग्रुप तो इसका नाम ट्रांस। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या थी बच्चों? मैंने कहा था ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा होता है। अगर एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को हम घुमाना चाहें तो वो नहीं घूमेगा। किसकी वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से। पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से बनता है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। यानी अगर आप इसको पकड़ के इसको घुमाओगे तो पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि यहां पे पॉसिबल नहीं है। मतलब घुमाकर आप ये आइसोमर नहीं बना सकते, घुमा के बना सकते तो ये रोटोमर्स हो जाते, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते। तो कंडीशन थी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब मैं इसी कंडीशन को आज रीडिफाइन करूंगा और आपको एक और नेसेसरी कंडीशन बताऊंगा जो कि पिछली बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो है एरियल डिस्टेंस। एरियल मतलब स्पेस में डिस्टेंस। मैं बोलूं CH3 का यहां डिस्टेंस अगर x है और CH3 का यहां डिस्टेंस y है, तो GI की कंडीशन है कि x should not be equal to y। एरियल डिस्टेंस में अंतर होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरे प्यारे बच्चों किस तरह के आइसोमर्स हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियोमर्स हैं, और स्टीरियोमर्स बच्चों वो होते हैं जिनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो यहां स्पेस में इनका डिस्टेंस x और इनका डिस्टेंस y अलग होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस सेम हो गया तो GI हम इसको नहीं कह सकते। जैसे यहां पे आप देखो तो आपको दिख रहा है y is greater than x। दिस इज ऑल्सो नेसेसरी कंडीशन, पिछले लेक्चर में जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, पर मैंने बोला था कि आगे और कंडीशन बताऊंगा। पाई बॉन्ड नेसेसरी कंडीशन नहीं है, नेसेसरी है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नेसेसरी है एरियल डिस्टेंस का डिफरेंट होना, सेम ग्रुप्स के बीच में एरियल डिस्टेंस का डिफरेंट होना। तो इस नई इंफॉर्मेशन के साथ मिटा दूं इसको, ओके, इस नई इंफॉर्मेशन के साथ
हम एनालाइज करेंगे डिफरेंट कंपाउंड, और सबसे पहले हम चलते हैं साइक्लोएल्केन्स की तरफ। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन का मैं ले रहा हूं। ये साइक्लोप्रोपेन है, मान लेते हैं यहां कोई दो ग्रुप लगे हुए हैं, और देखो मैं ग्रुप कैसे लगा रहा हूं इस पर भी ध्यान दो। अब एक और नई चीज, एक ग्रुप ये है, मान लो यहां लिखा है CH3, यहां लगा है H, यहां लगा है CH3 और यहां लगा है H। तो आपके दिमाग में आ रहा है ये क्या नई चीज बना दी। बच्चों ये कार्बन और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। साइक्लोएल्केन की कंडीशन है कि अगर साइक्लोएल्केन को GI शो करना है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड, है ना, लोन पेयर की कहानी भी होती है कि सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू तीन हो। खैर मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हो। इस कार्बन ने देखो ये सिंगल बॉन्ड, है ना, चार सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन ने सबके सब सिंगल बॉन्ड बना के रखे, है ना, तीन सिग्मा से तो अपना क्या बन जाएगा, तीन सिग्मा से sp2 बन जाएगा। तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तभी कहानी में मजा आएगा। अब ये क्या चीजें समझो बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेज और इसको बोलते हैं डैश। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक ग्रुप अपना यहां से प्लेन से बाहर आ रहा वेज वाला, और डैश वाला ग्रुप प्लेन से अंदर जा रहा। मान लो ये अपना साइक्लोएल्केन है, तो वेज वाला ग्रुप आपकी तरफ बाहर आता हुआ और डैश वाला ग्रुप पीछे जाता हुआ। ऐसी कुछ ज्योमेट्री होती है साइक्लोएल्केन्स की। क्लियर है? अब क्या ये GI शो करेगा? तो पहली चीज है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर मैं इस कार्बन को पकड़ लूं और यहां से इस कार्बन को घुमाने की कोशिश करूं, इसको पकड़ के, इंपॉर्टेंट, तो क्या वो घूमेगा? नहीं, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जबकि ये सिग्मा है। बिना पाई बॉन्ड के भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है अगर हमारे पास साइक्लोएल्केन। देखो ना, इसको पकड़ घुमाओगे तो ये नहीं टूट सकता, नहीं घूम सकता। तो यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी है एरियल डिस्टेंस का डिफरेंट होना। मान लो यहां CH3 में डिस्टेंस x है, दोनों CH3 आपकी तरफ ऐसे बाहर, बगल में इसका मैं GI बनाऊंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें एक CH3 को मैं पीछे कर दूंगा और एक CH3 को प्लेन के बाहर, एक CH3 प्लेन के अंदर चला गया और एक CH3 प्लेन के बाहर, इस बार हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, इस बार एक CH3 ऐसे आपकी तरफ आता हुआ, एक CH3 पीछे इनटू द प्लेन जाता हुआ। अभी देखो तो दोनों CH3 के बीच के डिस्टेंस को मैं y बोल दूं तो श्योर सी बात है यहां पे x इज नॉट इक्वल टू y। आपको भी फील हो गया होगा, ये CH3 का डिस्टेंस x और ये CH3 का डिस्टेंस y, और आपको भी दिख रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। दोनों ग्रुप्स अपोजिट साइड हैं, इसको बोल देंगे ट्रांस। दोनों ग्रुप सेम साइड है, इसको बोल देंगे सिस। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। और एक कंडीशन तो बहुत ही नॉर्मल सी है कि यहां दोनों ग्रुप सेम ना हो जाए, यहां भी CH3 होता, यहां भी CH3 होता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं शो कर सकता था, दोनों ग्रुप सेम, क्या सिस क्या ट्रांस। तो ये कहानी है साइक्लोएल्केन में GI की। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी और एरियल डिस्टेंस का डिफरेंट होना जरूरी। तो एक सिस एक ट्रांस। आगे से मैं ये वेज और डैश नहीं बनाऊंगा, कहीं पे हो सकता हो बना दूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आसान करने के लिए कहानी को ऐसे एक ग्रुप ऊपर दिखा दूंगा, एक ग्रुप नीचे, इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। डेफिनेटली ये ऊपर नीचे नहीं है, एक ग्रुप अंदर जा रहा है एक बाहर, बट मैं ऐसे शो करना स्टार्ट। आप ऐसे समझ लो कि ये जो ऐसे रखा हुआ है ना, इसको मैंने उठा के ऐसे कर दिया। ये जो साइक्लोएल्केन आपको बोर्ड में दिख रहा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो H जो अंदर जा रहा था, देखो ऐसे रखा है, H किधर था, अंदर, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो H किधर हो गया, नीचे। ये इमेजिन हो रहा है, ये H जो प्लेन के अंदर जा रहा था, CH3 प्लेन के बाहर था ऐसे, तो मैंने उठा के ऐसे किया तो CH3 प्लेन के ऊपर ऐसा दिखाई पड़ रहा। तो आगे से मैं ये रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा क्योंकि ये आसान है, ठीक है, ये सिस फॉर्म
और ट्रांसफॉर्म भी मैं इसका बहुत ईजिली अब ड्रॉ कर सकता हूँ। इधर सी एच थ्री, यहाँ पे H, जैसा ऊपर बना वैसे ही बनाऊ, यहाँ H, यहाँ सी एच थ्री। तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा 1.2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है ना, 1.2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आइए जरा 1.2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन को हम देखते हैं। 1.2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये मान लीजिए साइक्लो, देखो ऐसे बना दिया मैंने, तो 1 पे मिथाइल और 2 पे भी मिथाइल। बच्चों ये इसका सिस फॉर्म हो गया, बहुत ही आसान चीज बता रहा हूं अभी, और ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया, सही है, ठीक है। तो सिस ट्रांस यहां पे हो सकता है। आप मुझे बताओ 1.3 में भी क्या ऐसा हो सकता है, 1.3 डाइमिथाइल में डेफिनेटली हो सकता है। अगर 1.3 को देखें, ये 1, ये 3, सी एच थ्री, सी एच थ्री, एच एच, सी एच थ्री, और यानी सी एच थ्री को मैंने नीचे दिखा दिया, सी एच थ्री एच एच। ये हो गया बच्चों सिस, ये हो गया ट्रांस। तो ठीक है, 1.2 भी दिखा सकता है, 1.3 भी, और 1.4 की कोई बात ही नहीं होगी, 1, 2, 3, 4, फिर 1.2 हो जाएगा वो। तो यस, साइक्लोब्यूटेन भी जीआई शो कर सकता है, बस ग्रुप्स अलग अलग हों, थोड़ी बहुत चीजें तो कॉमन है। मिटार के समझाता हूं, मिटारो इसको, अच्छा अभी बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है, ये मजा आएगा धीमे धीमे, चलो। अच्छा मान लो 1.2 डाइमिथाइल की जगह मैं आपको ये ग्रुप दू, जरा देखना और बताना कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं, सी एच थ्री, सी एच थ्री, और यहां मान लो एच, और यहां मान लो सी एच थ्री, क्या ये जीआई शो करेगा? आंसर है नो, क्योंकि इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम है ना। अब इधर से देखो एरियल डिस्टेंस x, क्या करोगे इसको पलटोगे भाई, क्या कर सकते हो, आपको पता ये नहीं दिखाएगा, फिर भी मैं आपको सबूत दे रहा हूं। मान लो इसको पलट दिया आपने, सी एच थ्री सी एच थ्री, अभी भी सी एच थ्री का सी एच थ्री डिस्टेंस कितना है x, तो एरियल डिस्टेंस सेम ग्रुप में चेंज ही नहीं हुआ, तो ये जी आई नहीं शो करेगा, है ना, ना सिस समझ में आ रहा है ना ट्रांस। जरा आप मुझे 1.2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के बारे में डिस्कस करो। तो 1.2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्लोरो और 2 पे क्लोरो, बच्चों ये बन गया इसका सिस फॉर्म, और ये हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। बाकी तो हाइड्रोजन लगा ही होगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। इसी तरह से 1.3 और 1.4 भी बना सकते हैं, 1.3 या 1.4 भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, 1 और 3 ये, और 1.4 इनके ट्रांस तो आप बना लोगे ना, इसका ट्रांस इधर सीएल नीचे, सीएल नीचे, सीएल नीचे, ये दो सिस, ये सिस, 1.3 और 1.4 ये हो गए सिस फॉर्म, ये ट्रांस और ये ट्रांस, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन में आप समझ गए हो थोड़ी बहुत बातें, कंडीशंस मिटा रहे। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल अब मैं आपको देता हूं। अब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये कंपाउंड जिसको मैं बनाने जा रहा हूं, अब देखते जाओ एक के बाद एक प्यारे सवाल, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री, क्या ये कंपाउंड, मान लो जेई में सवाल आ गया, नीट में सवाल आ गया, चार ऑप्शन दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई, तो क्या ये जीआई शो करेगा, क्या तुमने किसी से प्यार किया क्या? तो भाई साहब एक ग्रुप इधर लगा है, एक ग्रुप इधर लगा है, तो आप बोल दोगे एक ऊपर एक नीचे। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कि ये जीआई शो नहीं कर सकता। जरा दूसरा सवाल देखो इसी पे मेरा, बहुत ही खूबसूरत सवाल दूंगा,
अभी क्यों नहीं कर सकता थोड़ी देर में बताते हैं सब बातें, ठीक है। सी एच थ्री, सी एच थ्री, क्या ये कंपाउंड जी आई शो करेगा? एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप ये, दिक्कत क्या है? ये कार्बन एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जी आई नहीं शो करेगा। आंसर होगा नो, बट एक्चुअल आंसर है यस, शो करेगा। चलो माना ये साइक्लिक रिंग की वजह से नहीं शो कर रहा, पर जरा इस डबल बॉन्ड पे ध्यान दो, सी डबल बॉन्ड सी, इधर लगा एच, इधर लगा सी एच थ्री, और इस सी से एक रिंग जुड़ी हुई है। इस कार, अब इस डबल बॉन्ड पे ध्यान दो, इस कार्बन पे एक तरफ एच है, एक तरफ सी एच थ्री, इस कार्बन पे एक तरफ ऐसे रिंग, एक तरफ ऐसे, क्या दोनों तरफ से सिमिलर रिंग दिख रही है? वेट, नहीं है। इस तरफ से चलोगे तो वन टू पे मिथाइल, इस तरफ चलोगे वन टू थ्री फोर पे मिथाइल, मतलब इस कार्बन के लिए ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है। अगर ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस नहीं होगा तो क्या हुआ? इजेड तो होगा, इजेड पढ़ा है, इजेड पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पिछले लेक्चर देखो। तो यस, दिस कंपाउंड विल शो जी आई ड्यू टू दिस सेंटर। ऐसे सेंटर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर्स। जिस सेंटर पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो उसको बोलेंगे स्टीरियो सेंटर एससी। तो इस कंपाउंड के पास एक स्टीरियो सेंटर है ये। क्लियर, समझ में आया? बहुत बढ़िया, मिटा दूं इसको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये साइक्लोएल्केन्स में आप समझ गए कि अगर पाई बॉन्ड का कैरेक्टर दिख रहा है कहीं पे sp2, तो आप रिंग के बाहर देखो कहीं वहां तो जीआई नहीं बना रहे बाहर वाले कार्बन, उधर तो हिसाब नहीं कुछ गड़बड़ा रहा। अब बात करते हैं बच्चों साइक्लोएल्केन्स की। साइक्लोएल्केन्स, तो मैं एक छह कार्बन का साइक्लोएल्कीन खूबसूरत सा बनाऊंगा। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर सकता है? देखने में लग रहा है हाँ, क्योंकि इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ एक ग्रुप, इसके भी इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ एक ग्रुप है ना, इस तरफ से एक ग्रुप, इस तरफ से एक ग्रुप, मतलब हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर कोई ग्रुप ए लगा हुआ है, इधर कोई ग्रुप ए लगा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखने में लग रहा है, देखो देखने में लग रहा है इस डबल, इसको मतलब इमेजिन करो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो इस कार्बन से एक तरफ ए, एक तरफ एच, एक तरफ ए, एक तरफ एच है ना, तो ये देखने में लग रहा है सिस फॉर्म। अगर इमेजिन नहीं हो रहा इसको घुमा लो है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर ये तो गलत बता रहे हो, जरा ध्यान से देखो यही तो लिखा है मैंने, एच एच नीचे बना दूं, इमेजिन होगा, टेंशन नहीं, घुमाया एच एच नीचे ए ऊपर, तो देखने में लग रहा है ये सिस आइसोमर बन गया। बनना भी चाहिए, पर इसका ट्रांस बनाना थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है। बनाने को मैं बना दूं है ना, किताब में या कॉपी पे कोई चीज बनाना केमिस्ट्री नहीं है, है ना, केमिस्ट्री वो नहीं है कि आपने ऐसे बना दिया, आप बोलो चलो सर ये सिस हो गया, सर ये ट्रांस हो गया, डेफिनेटली। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? एच एच इधर से एक ग्रुप, इधर से मैंने इसको घुमाया, बोला ए ग्रुप इधर से भी, एक ग्रुप इधर से भी, सिस और ट्रांस, इसका सिस बना, इसका ट्रांस मैंने ये बना दिया। बच्चों दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि ये हाइड्रोजन इस तरफ जा ही नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 डबल बॉन्ड की वजह से, और रिंग में ऑलरेडी आ चुका है बहुत ढेर सारा स्ट्रेन। इस स्ट्रेन में अगर आप इस हाइड्रोजन को अंदर की तरफ डालना चाहोगे तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा, और देखा गया, ऐसा देखा गया कि इसका ट्रांस कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई चीज देखी जाती है फिर एक्सप्लेन की जाती है। एक्सप्लेनेशन ये दिया कि यहां पे पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में इतना ज्यादा ट्विस्ट लाना, घुमाना पॉसिबल नहीं था। एंगल स्ट्रेन की बात मैंने पहले भी की है आपसे आइसोमेरिज्म के लेक्चर में, तो ऑलरेडी स्ट्रेन था उसमें आप घुमा रहे हो, इतनी एनर्जी अवेलेबल सराउंडिंग के टेम्परेचर से नहीं है कि ट्रांस एग्जिस्ट करे।
इसलिए यहां पे कोई जीआई शो नहीं होती। तो साइक्लोएल्कीन्स डू नॉट शो जीआई, बट ये बात ट्रू है ऐसी रिंग्स के लिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स लेस देन इक्वल टू 7 हो। 7 कार्बन तक ये चीज नहीं हो रही थी, एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया। मतलब हमने कहा कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, आपका आंसर होगा नो। साइक्लोएल्कीन sp2 इसका सिस तो एग्जिस्ट करेगा, इसका ट्रांस थर्मोडायनेमिकली बनता ही नहीं है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। जैसे ये पाउंड हमने लिया डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका सिस तो होगा, इसका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई भी साइक्लोएल्कीन हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस देन इक्वल टू 7 हो, वहां जीआई बनाना पॉसिबल नहीं। एक और इसमें कंसेप्ट आता है कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें चेंज करने के लिए छूट दे दी जाए कि हम डबल बॉन्ड को घुमा सकते हैं कहीं, चलो घुमाते हैं, इस डबल बॉन्ड को उठा के मान लो यहां लगाया, तो एक ग्रुप इस तरफ एक ग्रुप इस तरफ, अभी भी तो क्या है सिस। इस डबल बॉन्ड को उठा के मैंने यहां लगाया, एक ग्रुप ऐसे एक ग्रुप ऐसे ऑन द सेम साइड, अभी भी क्या है सिस। तो डबल बॉन्ड रोटेट करने के बाद भी है ना, ऑन चेंजिंग पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, अगर हमको ये भी अलाउ कर दे तो भी हमें सिर्फ सिस आइसोमर मिलेगा कार्बन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7 तक, ट्रांस मिलना पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो लेस देन इक्वल टू 7 की बात हुई है, यानी 8 पे कहानी गड़बड़ होने वाली है। यस, तो साइक्लोएल्कीन्स शो जी आई अगर नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाए। 8 कार्बन, जरा साइक्लो ऑक्टेन हम बनाते हैं, ऑक्टीन नॉट ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टीन, ये हुआ 1 2 3 4 5 6, साइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए हमने बना ली साइक्लो पेंटीन बना ली। इसमें बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन होता है कंसेप्ट, तो मैंने साइक्लोपेंटीन से स्टार्ट किया। मान लो डबल बॉन्ड में यहां लगाऊं, या मान लो पहले डबल बॉन्ड यहां लगाओ, बड़ा खूबसूरती समझ में, टेंशन नहीं, यहां लगाया, सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस फॉर्म। मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने की छूट मिल चुकी है, मैंने इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया, अभी दिखाएंगे और एग्जांपल, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया और डबल बॉन्ड को उठा के यहां लगाया। अब जरा ध्यान से देखो, एक ग्रुप इधर जा रहा एक ग्रुप इधर जा रहा, यह कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म। यानी कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में अगर हमें डबल बॉन्ड घुमाने की आजादी मिल जाए तब हमको सिस ट्रांस आइसोमर मिल सकते हैं। इस डबल बॉन्ड को उठा के मैं यहां लगा दूं, एक ग्रुप इधर जा रहा एक इधर जा रहा, ट्रांस आइसोमर। तो साइक्लोएल्कीन्स में आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन यदि 8 से ज्यादा होते हैं, यदि 8 से ज्यादा होते हैं, 8 या 8 से ज्यादा, तभी हमको जीआई मिलेगी। ये एक डेटा है, इसको हम लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, इसी पे मैं और खूबसूरत सवाल बनाता हूं, अभी सवाल कराता जाता हूं। पहला सवाल आपको बताना है गिवन कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, ये साइक्लोएल्कीन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन में तो साइक्लोएल्कीन जीआई शो नहीं करता, 8 चाहिए, नहीं शो करेगा। पर अगर इसको साइक्लोएल्केन की तरह देखें तो एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, अरे ये तो शो कर देगा यार जीआई, कैसे, एक CH3 यहां एक CH3 यहां, हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां,
ये बन गया इसका सिस फॉर्म, और ऐसी तरह से आप इसका ट्रांसफॉर्म बना सकते हो। तो ये साइक्लोएल्कीन की वजह से नहीं, साइक्लोएल्केन की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इसकी वजह से इट विल शो जीआई। इसमें एक स्टीरियो सेंटर है और वो है इसकी रिंग, स्टीरियो सेंटर एक जो कि कौन है इसकी रिंग। ये अपनी साइक्लोएल्केन की प्रॉपर्टी की वजह से जीआई शो किया। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। साइक्लोएल्केन की कंडीशन क्या थी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सवाल करते जाओ, अभी क्लियर होता जाएगा, जरा इसको मैं मिटाता हूं, क्लियर होता जाएगा, टेंशन नहीं। और एग्जांपल लेंगे, सेकंड एग्जांपल जरा देखेंगे आप। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? पहले तो ये साइक्लोएल्कीन है, नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन में साइक्लोएल्कीन कैन शो जीआई। हमें छूट मिली हुई है 8 कार्बन में जीआई शो कराने की, एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये यहां वाले स्टीरियो सेंटर की वजह से जीआई शो करेगा, इस CH3 की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जरा और मिक्सिंग करते हैं कंसेप्ट्स की, और मिक्सिंग करते हैं हम कंसेप्ट्स की। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, और करेगा तो कितने स्टीरियो सेंटर हैं, सोचिए। साइक्लोएल्कीन है, नंबर ऑफ कार्बन 8 है, और 8 से ज्यादा में ट्रांसफॉर्म देखा गया एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक तो ये इसकी वजह से जीआई शो करेगा। जरा साइक्लोएल्केन वाला फैक्टर देखें, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसकी वजह से भी एक सिस और एक ट्रांस बनेगा। डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, कोई टेंशन नहीं है, इधर एक ये ग्रुप लगा एक हाइड्रोजन, एक ये ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से भी तो दो स्टीरियो सेंटर, एक तो रिंग की वजह से, एक साइक्लोएल्कीन की वजह से। अब एक ये डबल बॉन्ड है, इसको जरा देखो, कहीं इसकी वजह से भी तो जीआई नहीं, डबल बॉन्ड भी तो जीआई देता है। अगर डबल बॉन्ड को देखो तो इस कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, डिफरेंट होते तो शायद ये जीआई शो कर देता, क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक पूरा ये ग्रुप है, पर इस कार्बन के दो ग्रुप सेम हो गए तो ये वाला तो स्टीरियो सेंटर नहीं, तो टोटल स्टीरियो सेंटर दो, और ये जीआई शो करेगा दो तरह से, एक तो यहां पे हाइड्रोजन एक बार सिस फॉर्म में, एक बार हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म में, और एक ये ग्रुप्स की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा इसके दो जीआई है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग टॉपिक है, उसका अलग वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो उसी पे है, ये नहीं कह रहा इसके दो या चार, वो सब बाद में, कितने बनेंगे अभी इसकी बात नहीं की मैंने। चौथा एग्जाम्पल देखते जाएं, खूबसूरत एग्जाम्पल चौथा लेता हूं। मान लेते हैं यहां डबल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, और करेगा तो कितने स्टीरियो सेंटर है? पहले चेक करते हैं इसको साइक्लोएल्कीन के लिए, साइक्लोएल्कीन है, नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो शो कर सकता है, यहां पे एक CH3 है और इस तरफ एक H है, एक बार दोनों ग्रुप सिस में आएंगे, एक बार दोनों ग्रुप ट्रांस में आएंगे, पॉसिबल है क्योंकि इसका ट्रांस थर्मोडायनेमिकली देखा गया एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार हाइड्रोजन इधर बना सकते थे। दूसरा, इसको साइक्लोएल्केन के लिए टेस्ट करो, तो एक ग्रुप यहां लगा है साइक्लोएल्केन के, एक ग्रुप यहां लगा है, पर साइक्लोएल्केन की कंडीशन थी कि ये कार्बन और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी सारे सिंगल बॉन्ड वाला हो, ये कार्बन तो मर गया, ये तो भैया sp2 निकला, मतलब ये साइक्लोएल्केन की प्रॉपर्टी की वजह से जीआई शो नहीं कर सकता, साइक्लोएल्कीन की वजह से शो करेगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। और कोई स्टीरियो सेंटर, एक तो मिल गया, और ये वाला रिंग वाला तो स्टीरियो सेंटर फेल हो गया, रिंग वाला स्टीरियो सेंटर फेल हो गया, एक ये डबल बॉन्ड है, इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा, मैंने यहां पे
सी एच ये लगा दिया, क्या इसकी वजह से ये जी आई शो करेगा? हाँ, तो बच्चों ध्यान से देखो, इस कार्बन से दो ग्रुप सेम जुड़े हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्ड के अबाउट जी आई शो नहीं हो सकती क्योंकि इस कार्बन के दो ग्रुप सेम हैं, यानी ये भी स्टीरियो सेंटर नहीं बना, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इसमें भी बनते। एक आखिरी एग्जांपल मैं इसी का देता हूं, मजा आ रहा है। अब आप बताना नेक्स्ट कंपाउंड में कितने स्टीरियो सेंटर पॉसिबल हैं। मैं फिर से साइक्लोऑक्टेन ही बनाने वाला हूं। ओके 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 अब इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है और क्या ये जीआई शो करेगा, पहला सवाल तो क्या ये जीआई शो करेगा। तो हम अलग अलग रीजन से टेस्ट करेंगे, पहले साइक्लोएल्कीन के लिए टेस्ट करेंगे। तो साइक्लोएल्कीन तो ये है, नंबर ऑफ कार्बन 8 हैं, तो डेफिनेटली शो करेगा, एक ग्रुप हाइड्रोजन एक ग्रुप ये, एक बार सिस एक बार ट्रांस। दूसरा इसको टेस्ट करना होगा साइक्लोएल्केन के लिए, एक ग्रुप यहां लगा है एक ग्रुप यहां लगा है, 1, 2, 3 की बात हो रही है। दिक्कत क्या है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो साइक्लोएल्केन का जीआई होना पॉसिबल नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो साइक्लोएल्केन का जीआई होना पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। साइक्लोएल्केन के जीआई के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन नेसेसरी है। तीसरा इसको टेस्ट करना होगा डबल बॉन्ड्स की वजह से। इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखो तो इस कार्बन पे एक ग्रुप हाइड्रोजन है एक ग्रुप CH3 है, इस कार्बन पे एक ग्रुप हाइड्रोजन है और एक पूरा ये ग्रुप है, डेफिनेटली इट विल शो दिस इज स्टीरियो सेंटर। हाँ या ना भाई, ये सिस बन गया और इसी का हम ट्रांस बना सकते हैं, इस ग्रुप को कुछ एक्स कह दो, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री एच और इस पूरे ग्रुप को एक्स बोल दिया, देखो बन गया ना इसका सिस, इसी तरह से ट्रांस बन जाएगा। और एक डबल बॉन्ड यहां है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप सेम हैं, तो यहां सिस ट्रांस की बात हो ही नहीं सकती है, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा है, एक ग्रुप जैसे यहां पे CH3 तो बात हो पाई, तो यहां नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हो गए दो और जीआई ये शो करेगा ड्यू टू साइक्लोएल्कीन एंड ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। तो साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। साइक्लोएल्केन की कंडीशन, एक तो ग्रुप अलग हो सिंपल कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और साइक्लोएल्कीन की कि नंबर ऑफ कार्बन 8 या 8 से अधिक हो। अब बात करते हैं बच्चों प्यारे एलीन्स के बारे में। एलीन्स हमारे होते हैं डाईन, और ये डाईन भी कंसेक्यूटिव हो, मतलब दो डबल बॉन्ड एक के बाद एक आए। इसका जो सबसे खूबसूरत एग्जांपल है वो है C3H4, इसमें दो डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, C डबल बॉन्ड C एलीन। इस कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी बची है, मान लो इधर लगा दिया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया CH3, इधर लगाया हाइड्रोजन, इधर लगाया CH3। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये सिस ट्रांस बहुत इजीली शो करेगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही पाई बॉन्ड की वजह से। दूसरी कंडीशन थी एरियल डिस्टेंस की। अच्छा, आप कहोगे सर एरियल डिस्टेंस भी सेटिस्फाई तो हो रहा है सर, कैसी बात कर रहे हो, देखो ना सर ये H और यहाँ पे CH3, इस बार इधर CH3 और इधर H, देखो ना सर एरियल डिस्टेंस अलग है, यहाँ X है यहाँ Y डिफरेंस दिख रहा है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि एलीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत अलग होता है। एलीन का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा होगा कि अपना ये वाला ग्रुप पूरा यदि एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाला ग्रुप वाई जेड प्लेन में जाएगा। कैसे होता है दिखाते हैं अभी, ऐसा किस तरह से होगा, पहले तो मैं इमेजिन करा दूं फिर उसके बाद बताता हूं कहानी। मान लो मैं दो बुक्स ले लेता हूं या दो कॉपीज ले लूं पहले। ओके, वी हैव टू कॉपीज ओवर हियर, वेरी गुड। मान लो पहला वाला जो कार्बन कार्बन है वो ऐसे है,
तो अगला वाला कार्बन कार्बन ऐसे दिखेगा, मतलब पहले वाले दो ग्रुप इस प्लेन में हैं, H और CH3, इसमें H, इसमें CH3, और अगले वाले H और CH3 इसमें हैं, इसमें H और CH3, H और CH3, H और CH3। पहले तो ये बता दूं फिर बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ, ये भी बताऊंगा, पर पहले तो इस बात पे बिलीव करो तुम कि अलीन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको मान लो पहले, तो फिर बताएंगे क्यों होता है। मतलब ये भाई साहब एक्स वाई प्लेन में और ये चले गए वाई जेड प्लेन में, इसकी वजह से क्या होगा, जरा मैं इसको ऐसा ड्रॉ भी करूं कि फील भी हो आपको, एक्स वाई और वाई जेड प्लेन की कहानी थोड़ी फील भी हो। सी डबल बॉन्ड सी, एक एच यहां, सी एच थ्री यहां, इसी प्लेन के अंदर सी डबल बॉन्ड सी, एक एच यहां, सी एच थ्री यहां, ये वाला इस प्लेन के अंदर है, दिस इज इनसाइड दिस प्लेन ऐसे, और ये वाला प्लेन के ऊपर और नीचे। अब सुनो ये प्लेन के अंदर और ये प्लेन के ऊपर और नीचे, इस CH3 और इसका डिस्टेंस अगर आप x कहते हो और मैं कोशिश करूं इसका ट्रांस बनाने की, अगर मैं कोशिश करूं इसका ट्रांस बनाने की, तो ये CH3 का इस CH3 डिस्टेंस भी x आएगा। इमेजिन होगा, अभी थोड़ा सा टफ लग रहा है, अभी इमेजिन हो जाएगा। मैं कुछ मार्कर्स उठा लूं हाथ में, पेशेंस रखना है बस आपको, जस्ट कीप पेशेंस, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं कि दो ग्रुप अपने ऐसे हैं इस प्लेन में और दो ग्रुप मेरे ऐसे हैं इस प्लेन में। क्या दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर, ऐसे ऐसे। अब देखो ये कहानी है, ये वाला जो ग्रुप है ये ऐसे चला गया है, एक ऐसे मान लो, एक ऊपर एक नीचे, और ये इस प्लेन में है ऐसे, एकदम परफेक्ट। अब मान लो कि ये वाला जिसको मैंने उठाया, ये CH3 है और ऊपर वाला CH3 है, तो CH3 का डिस्टेंस अगर x है और मैं अगर इसको पलट दूं तो भी तो CH3 का डिस्टेंस x ही रहेगा। फिर से, अगर ये CH3 है और ये CH3 है तो CH3 का डिस्टेंस x, मान लो इसको मैं पलट दूं, ये CH3 इधर आ गया, अभी भी CH3 का डिस्टेंस तो x ही रहेगा। इमेजिन हो रहा है, ये ऐसे मान लो, सिंपल एकदम और आसान तरीके से, ये ऐसे है और इनको ऐसे मान लो, ये ऐसे है। अब देखो इस CH3 का डिस्टेंस इधर वाले, इस वाले CH3 से मान लो x, पलटने के बाद भी तो इस CH3 का डिस्टेंस इधर वाले CH3 से x ही रहेगा, पक्का इमेजिन हो रहा है, पक्का। ये मान लो अपना CH3 है, सर बार बार चेंज कर रहे हो, ये CH3 है, ठीक है, ये वाला एक पेन ले लेता हूँ, फील रहेगा। चलो एक मेरा ये पेन CH3 है और एक ये वाला मार्कर ऊपर वाला चमकता हुआ CH3 का डिस्टेंस x, ये दोनों एक प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, CH3 का डिस्टेंस x। अगर मैं इसको पलट दूं और सोचूं ट्रांस बन रहा है तो मेरी बेवकूफी है, CH3 का डिस्टेंस अभी भी x है, अभी भी x, देखो ना चेंज कहां हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ सच ज्योमेट्री x इज इक्वल्स टू y बोल सकते हैं, अगर इसको मैं y बोल दूं तो, और इसकी वजह से अलीन्स GI शो नहीं करते एरियल डिस्टेंस की कहानी की वजह से। अब दिखाता हूं कि ये बना कैसे, सर ये हुआ कैसे, इमेजिन भी होगा अभी, आओ थोड़ा फील हुआ, ठीक है सर थोड़ा बहुत फील हुआ, उतना अच्छा नहीं, मजा नहीं आया सर, फील आएगा, फील लाओ सर, फील आओ, अलीन बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा आपको ये तो समझ में आ रहा है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जरा इसको मैं बनाता हूं, ये सेम प्लेन में होंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, सेम प्लेन में होंगे, यहां अगला कार्बन इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन ने अगले कार्बन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, ये प्यारा कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ना, यहां बना दूं मैं C डबल बॉन्ड C सिग्मा सिग्मा पाई पाई, बोलो सही, सब sp2 सबका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp आएगा, इसको देखो सिर्फ दो सिग्मा मिले, इसका sp, इसको एक सिग्मा इधर से और एक सिग्मा तीन सिग्मा इधर से, तो ये हुआ sp2, एक सिग्मा इधर से, दो सिग्मा इधर से, sp2, तो ये sp2 है, ये sp है और ये भी sp2।
sp2 hybridization होता है triangular planar, तो देखो ये triangle और plane में, तो इस plane में मैंने इसको मान लिया। अब इसके साथ इसको pi bond भी बनाना है, तो pi bond ऐसे बनता है hybridized orbital के perpendicular plane में, ये बन गया pi bond। यहां मैं लगा देता हूं H, यहां लगा दिया CH3। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने एक पाई बॉन्ड वाई एक्सिस के अलोंग बना लिया, अगला पाई बॉन्ड इसको जेड एक्सिस के अबाउट बनाना पड़ेगा इसके साथ, यानी ये बनेगा पाई बॉन्ड। भाई इस कार्बन ने अपनी ऑर्बिटल यूज करके एक पाई बॉन्ड वाई एक्सिस में बना लिया, अगला पाई बॉन्ड वाई में, एक पाई बॉन्ड वाई में बनता है तो अगला जेड में बनता है, तो अगला पाई बॉन्ड इसने जेड में बनाया। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। यहां देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्लेन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्लेन में, और पाई बॉन्ड वाला ये प्लेन है, यहां पाई बॉन्ड वाला प्लेन ये हो गया जेड एक्सिस पे, इस पे बनाया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का प्लेन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को इसका परपेंडिकुलर प्लेन चूज करना पड़ेगा, ए ऐसे और ऐसे, H और CH3। क्या फील हुई अब बात कुछ कि अभी भी नहीं? फिर से देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो मैंने कार्बन कार्बन में सिग्मा सिग्मा बनाया, फिर इन कार्बन के बीच में पाई, तो मैंने पाई बनाया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ट्रायंगुलर, ये देखो ट्रायंगुलर, तीन ऑर्बिटल ना, तीन सिग्मा, ट्रायंगुलर प्लेनर प्लेन में, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर इतना H CH3 इस प्लेन में अपना मास्ट एकदम, और ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन वाई एक्सिस में एक पाई बना चुका है, अगला पाई किस में बनाएगा? अगला पाई इसने जेड में बनाया, यानी इनका जो पाई बॉन्ड बना वो इस एक्सिस पे बना। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को पाई बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होना, इनका पाई बॉन्ड इसी में बना है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में आएंगे। यहां देखो, यहां देखो, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, पाई बॉन्ड का प्लेन ये, यहां देखो पाई बॉन्ड का प्लेन ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, फिर से यहां पाई बॉन्ड का प्लेन ये, आ रहा है कि नहीं? ये देखो पाई बॉन्ड का प्लेन ये वाला, वाई वाला, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चले गए, यहां पाई बॉन्ड का प्लेन ये वाला हो गया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर। अब फील हुआ कि ये HCH3 प्लेन में ऊपर नीचे, ये HCH3 इसी प्लेन में, इस वजह से एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जस्ट इमेजिन CH3H CH3H X, इसको पलटा X, कहां चेंज हो रहा? फील हुआ एकदम, इमेजिन हुआ CH3H ऊपर नीचे CH3H X, इसको पलटा X। इस वजह से अलीन कैन नॉट शो GI, क्लियर क्लियर? अगर ये XY प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ये YZ प्लेन में चले गए परपेंडिकुलर। खैर, तो इन शॉर्ट आपको समझना है कि अलीन्स डू नॉट शो GI। अब कोई आपको कितना भी कन्विंस करे, आप नहीं मानोगे कि अलीन्स GI शो करते हैं, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे कि अलीन्स GI शो करते हैं। जरा बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की। अब स्पाइरो कंपाउंड आप समझते हैं, आपने IUPAC में देख रखा है, ऐसे कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। मान लीजिए यहां एक ग्रुप लगा दिया हमने CH3, यहां H, यहां लगा दिया CH3 और यहां H, तो देखने में तो लग रहा है सिस ट्रांस हो सकता है। प्रॉब्लम पर वही है कि अगर स्पाइरो की एक रिंग XY एक्सिस में है तो दूसरी रिंग XY प्लेन में है तो दूसरी रिंग YZ प्लेन में, मतलब वही कहानी है कि ये CH3 और H ऐसे और ये CH3 और H ऐसे, इसीलिए टाइम दिया इतने, क्योंकि स्पाइरो में बाइफिनाइल में सब में सेम कंसेप्ट आएगा। ये भी देखो, स्पाइरो भी दो डबल बॉन्ड जैसा हो गया, दो रिंग दो डबल बॉन्ड के इक्वल होती है, मैंने बताया था आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में कि दो रिंग का मतलब दो डबल बॉन्ड, तो ये दो डबल बॉन्ड जैसी कहानी है। मतलब ये वाली रिंग, मैं तो बना के दिखाता हूं इसको, ये वाली रिंग इस प्लेन के अंदर है बच्चों, इसमें तो ये रहा H और ये CH3 इसी प्लेन में, विद इन दिस प्लेन, और अगली वाली रिंग ऐसे है, ये रहा H, ये रहा CH3। फील हुआ? इसको मिटा दूं,
आ रहा है, आएगा 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 आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो HCH3 इस प्लेन में है और ये HCH3 इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, जैसे पिछली बार डबल बॉन्ड में। अब अगर मैं देखूं तो इस CH3 का डिस्टेंस ऐसे लूं या घुमा के लूं, सेम ही तो आएगा। CH3 इसको CH3 माना था और पेन को, है ना? ओके, सो CH3 नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, यहां पे CH3 अपना ऐसे, हाइड्रोजन है। अब CH3 और इस वाले CH3 का डिस्टेंस देखो, अगर x है, ये पेन CH3 है, नीचे वाला मार्कर कलर एकदम बढ़िया जो चमकता हुआ है, अगर ये डिस्टेंस बच्चों x है और इसको मैं पलट दूं तो भी तो डिस्टेंस x रहेगा, कहां चेंज हो रहा? या इसको मैं पलट दूं, इसको रहने दो, इसको पलट दूं, कहां चेंज होगा? उसको पलटने में हाथ मोड़ रहा है मेरा, स्ट्रेन। क्लियर हुआ? तो वही पाई बॉन्ड वाली कहानी स्पाइरो कंपाउंड में है। तो यदि स्पाइरो में टू रिंग्स हैं तब तो जीआई का चांसेस नहीं है, पर यदि बच्चों में मान लो एक तीसरी रिंग भी इसमें इंक्लूड कर दूं, एक थर्ड रिंग भी मैं लेके आ जाऊं, फर्स्ट रिंग बनाता भी ऐसा हूं कि आपको फील हो, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, अब थर्ड रिंग अपने आप फिर से इसी प्लेन में आ जाएगी, थर्ड रिंग HCH3। अब अगर ये XY प्लेन में है तो ये YZ प्लेन में और ये वापस XY में, अब तो एरियल डिस्टेंस चेंज होगा। अब HCH3 मार्कर फिर से, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हो रहे हैं तो वीडियो के बाद ही बताएंगे मुझको। हाँ, मैं फिर से बताऊंगा, अगर आप बोलोगे तो बताना, फिर से बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ये ऐसे हैं और इस बार ये भी इसी प्लेन में है, फील हो गया होगा आपको, वापस प्लेन देखो सेम हो गया। अब की बार तो एरियल डिस्टेंस चेंज होगा ना, मान लो ये CH3 अपना कलरफुल और ये पेन, तो CH3 CH3 में डिस्टेंस x, अब देखो CH3 CH3 में डिस्टेंस y, चेंज हो रहा है कि नहीं? x दूर हो गया, y x y, ठीक है? तो एक रिंग होगी तो प्लेन चेंज होगा, दूसरी रिंग होगी तो प्लेन फिर से चेंज होगा, मतलब एक ऐसे तो एक ऐसे फिर एक ऐसे, तो यानी तीन रिंग्स में GI शो हो सकता है, चार में फिर शो नहीं होगा, फिर परपेंडिकुलर। तो आप समझ लो कि स्पाइरो में अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं तब तो GI शो नहीं होगा, और यदि ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं तब GI शो होगा। जरा देखना, टुक 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 टू, 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 यहां मान लो CL, यहां मान लो H, यहां मान लो CL, यहां मान लो H, बताओ आप। ये मान लो XY प्लेन में, ये यही YZ में, ये फिर से XY में, ये YZ में, ये XY में, तो ये CLH भी XY में, ये CLH भी XY में, सेम प्लेन में है। कहानी क्लियर हो रही है? सेम प्लेन में, तो दिस विल शो GI। चाहो तो रूल से देख लो, नंबर ऑफ रिंग्स इसमें ऑड थी, 1 2 3 4 5 नहीं आया। क्लियर है एकदम? कमेंट करना नहीं आया, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? ओके, तो स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो GI दिखेगा, क्योंकि एरियल डिस्टेंस तब डिफरेंट होगा, इवन में एरियल डिस्टेंस डिफरेंट, क्लियर फील हो गया होगा, ये ऊपर ये नीचे, तो यार ये CH3 का डिस्टेंस चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, दोनों डिस्टेंस देखो सेम आ रहे थे, और जब ये इधर आ जाएगा तब ये वाला डिस्टेंस अलग और ये वाला डिस्टेंस अलग। स्पाइरो के बाद बच्चों बात करते हैं बाइफिनाइल ग्रुप की। फिनाइल ग्रुप लेंगे हम, एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये। देखो बच्चों, अगर मेरे पास बाइफिनाइल है तो ये XY प्लेन में और ये भी XY प्लेन में होता है, ये लर्निंग डेटा है। पर अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगाना स्टार्ट करूं, जैसे यहां CH3 लगाया और इस तरफ कुछ नहीं, एक तरफ CH3 लगाया और यहां भी मान लो CH3 लगा दिया ऐसे, इधर तो अपना मस्त हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है? बेंजीन में पता है ना एक ही वैलेंसी खाली होती है सबकी ना, ये तो पता होगा, बेंजीन में एक ही वैलेंसी सबकी खाली होती है ना, ये देखो 1 2 3 वैलेंसी खराब, 1 2 3 3 वैलेंसी खराब, एक ही एक खाली ना, ठीक। अच्छा, अगर यहां पे हम ग्रुप लगाते हैं तो इन ग्रुप के बीच में रिपल्शन स्टार्ट होता है,
इस रिपल्शन की वजह से ये अपना प्लेन छोड़कर परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब दोनों रिंग ऐसे थी, CH3 CH3 में इतना रिपल्शन हुआ कि इसने अपना प्लेन चेंज कर लिया, ऐसे इसने अपना प्लेन चेंज कर लिया, अब ये चला गया वाई जेड में। यानी ऐसे तो बाइफिनाइल में डिफरेंट प्लेन्स नहीं होते, पर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे तो रिपल्शन की वजह से प्लेन डिफरेंट हो गया। अब फिर वही कहानी हो गई, क्या ग्रुप्स तो अलग है पर एरियल डिस्टेंस सेम रहेगा। यू कैन सी इट लाइक दिस, एक CH3 ऐसे ऊपर, एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे, और यहां दोनों सेम प्लेन में, CH3 और H। अब ऐसे अब देखो, अगर ये डिस्टेंस अपना x है और इसको मैं पलटूं भी, इस CH3 को इधर ले लूं, H को इधर, तो ये डिस्टेंस भी अपना x ही होगा। फील हो रहा है, CH3 ऊपर, x इधर, इधर हो चाहे मिथाइल ग्रुप चाहे इधर लें, x और x, मतलब बायफिनाइल भी GI शो नहीं करता। अब इसमें मोर नंबर ऑफ रिंग्स अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा। इसमें इस लेक्चर में आपको कई जगह लगा होगा कि यहां पे ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो आपको रिसर्च नहीं करनी है। देखो टॉपिक खत्म नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, चलता रहेगा। जितना सिलेबस में था उतनी बातें मैंने आपको बताई। तो एक बार जनरल रिवाइंड लेते हैं सारे रूल्स का और अपने इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं आज के। हमने आपसे साइक्लोएल्केन की बात की, साइक्लोएल्केन की, तो यस साइक्लोएल्केन शो करते हैं GI। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जहां जहां पे ग्रुप है। फिर बात की हमने साइक्लोएल्कीन की, पूरा लर्निंग डेटा है, तो साइक्लोएल्कीन भी GI शो करते हैं, कंडीशन नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो, लेस देन इक्वल टू 8 में ट्रांस स्टेबल नहीं होता। बात की हमने एलीन्स की, तो एलीन्स में हमने देखा क्या कि ये और ये अलग अलग प्लेन में है, ये वाला अपना XY प्लेन में, ये वाला अपना YZ प्लेन में, जिसकी वजह से एरियल डिस्टेंस सेम आ रहा था, तो ये कभी भी GI शो नहीं करते। इसके बाद बात हुई स्पाइरो की, स्पाइरो में अगर दो रिंग है तो एक XY में एक YZ में, जिसकी वजह से एरियल डिस्टेंस सेम हो गया, तो ये GI नहीं शो करते। पर स्पाइरो में हमने एक रूल और पढ़ा कि अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं, स्पाइरो में ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो शो करेगा, इवन में शो नहीं करेगा। तीसरी लगाओगे यहां से तो तीसरी रिंग फिर किस में चली गई, XY में, ऐसे ऐसे शो कर देगा। और बाइफिनाइल में हमने पढ़ा कि GI एग्जिस्ट नहीं करती। रीजन क्या था बाइफिनाइल का, सेम रीजन जितनी देर से पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप नहीं है तब तो प्लेन सेम है, पर ग्रुप के आते ही रिपल्शन स्टार्ट हुआ, ये XY में, ये YZ में, एरियल डिस्टेंस सेम, इट नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहें। अगला लेक्चर होगा कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ GI, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा एनालिटिकल, मतलब थोड़ा देख के और थोड़ा फॉर्मूले से। ऑल द वेरी बेस्ट।